नमस्कार, मैं राहुल राज ईजीओ ग्लोबल पे आप लोग का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। कैसे हैं आप लोग? ठंडी काफ़ी अपने लेवल पे है। उम्मीद है कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है, तो अपने वादे के हिसाब से हम चल रहे हैं कि सर्ट्स एंड इंडाइसेस कल के एक वीडियो में कुछ कवर किए थे और आज उसका कुछ मेन पैटर्न बचा हुआ है, तो आज के वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। इसके बाद कुछ बच्चों का डिमांड है कि रेशियो करवाइए सर। मैंने YouTube पे पोल भी करवाया है, उसमें ज़्यादा रेशियो का ही आया है। तो अगर आप भी अगर चाहते हैं किस वीडियो को करवाया जाए, किस टॉपिक को, तो आप बता सकते हैं कमेंट में कि नेक्स्ट कौन सा टॉपिक आपको चाहिए। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में आप देखे होंगे हम लोग कॉन्सेप्ट किए थे सर्ट्स एंड इंडाइसेस का, जो नियम था होता है सर्ट्स एंड इंडाइसेस घातांक और करणी का। आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, कल कुछ क्वेश्चन हुआ था और कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए थे। ठीक है, तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 7 में देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि यदि y इक्वल टू अंडर रूट 12 प्लस 12, अंडर रूट में सब है, कहाँ तक है? इनफाइनाइट तक है। ठीक है, जब इनफाइनाइट तक है तो y का बड़ा वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ से हम लोग गुना में भी देख लिए थे, लिमिटेड टर्म भी देख लिए थे, गुना में इनफाइनाइट वाला भी देख लिए हैं और डिवाइड वाला भी देख लिए हैं। अब यहाँ से हम लोग प्लस वाला करते हैं। तो प्लस वाला का दो तरीका होता है, एक तरीका जो होता है वो कहीं कहीं काम नहीं आता है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि एक ही तरीका अपनाइए जहाँ जो सब जगह यूज हो जाए। जैसे कि यहाँ पे एक फार्मूला लिखा हुआ है, इसको हम डिराइव नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसको यूज करेंगे। डिराइव इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसको हम डिराइव क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करेंगे। ठीक है, यहाँ से वाई इक्वल टू क्या लिखा है, 1 प्लस अंडर रूट में 1 प्लस 4x बटे में 2। ठीक है, y इक्वल टू डायरेक्ट, तो यहाँ पे y इक्वल टू अगर हम निकालना चाहें तो कर सकते हैं 1 प्लस अंडर रूट में 1 प्लस 4 इंटू x के जगह पे यहाँ पे जो x है वही यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे 4 इंटू 12 हो जाएगा, बटे में पूरा का बटे में 2 है। ठीक है, यहाँ से आगे कीजिएगा तो 1 प्लस, यहाँ बढ़ चुका 48 में एक जुड़ेगा 49 का अंडर रूट कीजिएगा तो 7 निकल जाएगा बाहर, बटे में 2 हो जाएगा, 7 प्लस 1 8 8 बटे 2, और 8 बटे 2 का मतलब 4 हो गया आपका, जो कि ऑप्शन ए में है, यही आंसर हो गया। एक तरीका जो होता है वो बहुत ही सिंपल सा है, अगर फार्मूला नहीं भी याद है तो वहाँ पे इसको ब्रेक करना होता है। 12 को 2 प्राइम नंबर्स में हम ब्रेक कर देंगे, तो 12 को किस में ब्रेक कर सकते हैं, 4 और 3 में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? आसानी से कर सकते हैं। तो वहाँ पे कुछ नहीं करना है, अगर 4 और 3 में हम ब्रेक कर लिए तो यहाँ पे देखेंगे क्या है, प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, आगे मतलब प्लस वाला है, तो प्लस प्लस रहेगा तो वहाँ पे बड़ा वाला आंसर ले लेंगे। क्या करेंगे, जो बड़ा वाला होगा उसको आंसर मानेंगे। अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस माइनस होता तो वहाँ पे 3 आंसर हो जाता। ठीक है, दोनों तरीका बता दिए, आपका जो इच्छा हो लगा सकते हैं, लेकिन जहाँ पे अब भाई जो 12 की जगह 17 आ जाए और वहाँ पे 17 आ जाएगा तो फिर आप तोड़ नहीं पाएंगे, 17 खुद एक प्राइम नंबर है तो 17 नहीं टूटेगा, तो वहाँ पे फिर ये वाला तरीका लगा के उसका आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 8 है, सेम क्वेश्चन है, 20 है और सब में प्लस है, तो यहाँ पे अगर तोड़े इसको तो 20 को हम तोड़ सकते हैं आसानी से, 4 इंटू 5 में प्राइम नंबर हो जाएगा दोनों, सॉरी दोनों जो है 4 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो 4 और 5 में हम तोड़ दिए तो यहाँ पे जो बड़ा वाला होगा वही आंसर होगा क्योंकि बीच में क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे 5 आपका आंसर हो जाएगा। अगर उस फॉर्मूले से भी निकालिएगा वाई इक्वल टू, तो वाई इक्वल टू क्या था, 1 प्लस अंडर रूट में 1 प्लस 4 इंटू x, तो 4 इंटू x की जगह 20 हो जाएगा, बटे में 2 था। ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस अंडर रूट में बिच्चू का 80 प्लस 1 81 हो जाएगा, बटे में 2, यहाँ से 81 का 9 बाहर निकलेगा, 1 प्लस 9 बटे में 2 हो जाएगा, यहाँ से 10 बटे 2 मिल गया और 10 बटे 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है, यही आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, आगे बढ़ते हैं और आगे का करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए माइनस वाला है, तो माइनस और प्लस वाले फॉर्मूला में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, फॉर्मूला जो था यहाँ पे प्लस वाले में प्लस था और माइनस वाले में यहाँ पे माइनस होगा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। अगर यहाँ पे तोड़ के भी अगर इसको बनाना है तो 12 को अगर तोड़ेंगे तो 12 को
तीन इंटू चार में तोड़ सकते हैं, तीन और चार में, यहाँ पे बीच में क्या है, माइनस माइनस है, तो माइनस है तो इसमें छोटा वाला आंसर ले लेंगे, इसमें तीन आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इससे भी निकाले, इसको मिटाते हैं, अगर इससे भी निकाले तो माइनस का वन प्लस में अंडर रूट वन प्लस फोर एक्स, वन प्लस फोर इंटू में बारह हो जाएगा, बटे में टू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बराबर माइनस का वन प्लस बढ़ चुका अड़तालीस एक उनचास, उनचास का सात बाहर निकल जाएगा, बटे में दो हो जाएगा, सात माइनस एक छः हो जाएगा और छः बटे दो, यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, तीन, जो कि ऑप्शन ए में है, यही आपका आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है तो बताएं, उम्मीद है कि सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना, तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। आइए, बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में अगर 42 को तोड़ना चाहें तो तोड़ सकते हैं, 6 और 7 में तोड़ सकते हैं, नहीं 6 7 42, यहाँ से छोटा वाला आंसर लेना है क्योंकि बीच में माइनस है, तो आपका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगर फॉर्मूला पे भी रखिएगा तो यही आंसर आएगा, 6 ही, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। 11 पे आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन अब बेहतरीन क्वेश्चन है, करके मजा आएगा आपको। x इसका पावर है x, इसका पावर है 3/2, ठीक है, बराबर में क्या है, x और 3/2 है इसका पावर, और ये ब्रैकेट के बाहर है x। यहां से अगर हम देखें तो x इसका पावर है x, इसका पावर है 3/2, बराबर यहां से x और इसका पावर लिख सकते हैं ना, 3/2, और ये गुना हो जाएगा तो 3/2 x हो जाएगा। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यहां से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहां से ध्यान इसको देना है कि यहां पे ये x है और यहां पे भी x है, दोनों का आधार x है ना, दोनों का आधार आपको x दिख रहा है, ये आधार है इसका भी और ये आधार है इसका भी, ठीक है, तो दोनों का आधार क्या है, x है, तो यहां से आधार खत्म कर दिए तो यहां से बचा क्या, x का पावर 3/2, ठीक है, और बराबर में x का x खत्म हो जाएगा, नीचे वाला आधार हम लोगों ने खत्म कर दिया, तो बचा क्या, 3/2 x बचा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, यहां तक दिक्कत नहीं है, अब दिक्कत शुरू होता है। दिक्कत जो शुरू होता है वो यहीं पे शुरू होता है कि जो क्वेश्चन था थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको समझने में का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ पे नीचे है x और यहाँ पे भी x है, लेकिन x का पावर क्या है, 3/2 है, और 3/2 को हम तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, तो 3/2 को हम पावर में, अगर 3/2 है फ्रैक्शन में तो उसको तोड़ नहीं सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर 3/2 को हम लिख सकते हैं, 3/2 को ध्यान दीजिएगा 1+1/2 लिख सकते हैं, 1+1/2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, 2 एकम 2 और 1 3/2, तो यहां से x हम इसको लिख रहे हैं, x का पावर 1+1/2, ठीक है, बराबर में 3/2 x। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं है ना, होने भी नहीं देंगे हम, परेशान मत होइएगा। यहां से आगे अब ध्यान दीजिएगा, अब जो ध्यान देना है यहीं पे ध्यान देना है, यहां पे x का पावर 1 है और प्लस में 1/2 है, तो अगर यहां पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, x का पावर 1 है और इंटू में x का पावर 1/2 है, दोनों का आधार सेम है तो इसका पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, x प्लस 1/2, इसको लिख सकते हैं, ऊपर वाले चीज को इतना लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ x आधार है और यहाँ पे भी x क्या है, आधार है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1/2 है, लेकिन यहाँ पे तो आधार सेम है तो, और मल्टीप्लाई में है तो पावर का क्या करते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ जो चीज लिखा हुआ है x का पावर 1+1/2 यही लिखा हुआ है ना, सेम चीज यहाँ लिखा हुआ है ना, और e जो है इसके बराबर है ना, तो इस चीज को भी हम इसके बराबर लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिखेंगे, मेरा बोर्ड है, हम लिख सकते हैं। यहां से अब हम क्या कर रहे हैं कि यहां पे ध्यान दीजिएगा, x का पावर 1 इंटू में x का पावर 1/2 बराबर में 3/2 x लिख दिए, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताएं। इस चीज को हम तोड़ दिए, x का पावर 1 था प्लस में 1/2 था, दिखाया आपको कैसे टूट रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे x का पावर 1 x हो जाएगा, इंटू में x का पावर क्या है 1/2,
टू है, बराबर में 3/2 एक्स है। यहाँ से एक्स कट जाएगा, कटेगा ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्या बच गया, x का पावर 1/2 और बराबर में 3/2 बचा। अभी पावर में 1/2 है, इसका मतलब क्या, अंडर रूट है, अंडर रूट में x बाई है और बटे बराबर 3/2 है। अब यहाँ से हमको निकालना क्या है, x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू निकालना है तो यहाँ से हम दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दे, स्क्वायर बोथ साइड, क्या कर दे, स्क्वायर बोथ साइड कर दे, अगर दोनों तरफ वर्क करने पे स्क्वायर बोथ साइड, तो यहां अगर इसको स्क्वायर कीजिएगा तो क्या मिलेगा, x मिलेगा, और इसको स्क्वायर कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 9/4 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ गया, 9/4 आ गया, जो कि ऑप्शन बी में है, यही आपका आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है तो बताए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, करके मजा आने वाला है, ठीक है। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बाकी तो हम है ही। यहाँ पे 2 है, इसका पावर 2 है और इसका पावर x है, यहाँ पे बराबर है, यहाँ पे 16 है, इसका पावर 2 है और इसका पावर 3x है, मजेदार है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको हम ज्यों कहते हैं लिख रहे हैं 2 इसका पावर x है बराबर, इसको हम 2 को लिख सकते हैं, 2 को क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं, 2 का पावर 4x है, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, 2 का पावर 4, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना। और इस साथ में तो यहाँ पे 2 का पावर 4 हो गया और इसका पावर 2 है और यहाँ पे 3x है ना, ज्यों कहते हो है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आगे ध्यान दीजिएगा कि आगे क्या करना है, कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ ही पे सब गेम है, ठीक है, इसमें जो गेम है यहीं पे है। यहाँ पे 2 है, ये वाला 2 यहाँ पे लिख दिए, अब 4 को हम फिर से तोड़ दे रहे हैं 2 का पावर 2 में, 4 को किस में तोड़े, 2 का पावर 2 में, यहाँ पे ये इन टू में है, ये जो 2 का पावर 3x है इन टू में है, इन टू करके लिख दिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताएं हमको, नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका आधार जो है क्या है, ई आधार 2 है ना, और ई भी आधार 2 है, दोनों को खत्म कर देते हैं तो यहाँ बचेगा क्या आपका, 2 का पावर x, ऊपर में क्या बचा, 2 का पावर x, और यहाँ पे क्या बचा, तो 2 का पावर 2 इंटू में 2 का पावर 3x, यही बचा है ना, 2 का पावर x यहाँ पे बचा, 2 का पावर 2 इंटू में 2 का पावर 3x यहाँ पे बचा है। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत है तो बताए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 का पावर x इधर है, जो कहते हैं लिख दिए, यहाँ पे ही दोनों का आधार सेम है, दोनों का आधार क्या है, 2 है, तो इसके पावर को जोड़ सकते हैं, तो 2 का पावर 2 और प्लस हो जाएगा 3x, हो गया, नहीं हो जाएगा भाई, क्यों नहीं होगा, आप लोग कह रहे हैं तो जरूर होगा। यहाँ से अब दोनों का आधार फिर से सेम मिल गया, यहाँ पे ई भी 2 है और ई भी 2 है, दोनों का आधार सेम है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि आधार को खत्म कर देंगे, तो इसमें क्या बचा x और इसमें क्या बचा 2+3x, ठीक है। अब इस 3x को इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे x माइनस 3x हो जाएगा, बराबर में 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से माइनस का 2 मिल गया, 2x बराबर में 2, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताएं, और नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 है और बटे में माइनस का 2 हो जाएगा, कट गया तो बचा क्या, बराबर में माइनस का 1, तो यहाँ से x बराबर क्या मिल गया आपको, x बराबर माइनस का 1 मिल गया, जो कि ऑप्शन बी में है, यही आपका आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है तो बताएं, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 करके मजा आने वाला है आपको कुछ ज़्यादा ही, ठीक है, बस मजा लीजिए और कमेंट करके बताइए कि मजा लिया जाता है या मजा पिया जाता है, ठीक है, मजा लिया जाता है या मजा पिया जाता है, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा जरूर से। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, 13 नंबर 12 नंबर क्वेश्चन तक, ठीक है ना, किसी को कोई डाउट आए तो जरूर कमेंट करेगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 13 कुछ ज्यादा ही मजेदार है। रूट के अंदर x है, फिर पावर में रूट के अंदर x है, फिर पावर में रूट के अंदर x है, डॉट डॉट डॉट, यहीं पे हम छोड़ते हैं, इनफाइनाइट तक है, बराबर में क्या है 1/2 है। यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत है तो बताए, नहीं है तो बस वही करना है कि आपको बताएं कि रिपीटेशन जहां पे हो, जहां से रिपीट होना स्टार्ट हुआ उसको पकड़ लेना है। क्या करना है, जहां से रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है उसको पकड़ लेना है। जो बॉक्स में घेरे हैं ध्यान दीजिएगा, जो बॉक्स में घेरे हैं आपको दिखाई दे रहा है, देखने का प्रयास कीजिए, दिखाई जरूर देगा, हमको दे रहा है आपको भी देगा। अब इस चीज को हम यहां पे लिख रहे हैं, जो बॉक्स में घेरा हुआ है वहां पे उस चीज को हम यहां पे लिख रहे हैं, रूट एक्स पावर में रूट एक्स डॉट 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 इनफाइनाइट तक है, ये भी आपका डॉट 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 इनफाइनाइट तक ही है, ठीक है ना, बराबर में। अब ई जो है इस दोनों सेम है या नहीं है बताइए हमको, है तो इसके बराबर 1/2 इसके बराबर भी होगा, होगा या नहीं होगा, होगा सर, तो इसके बराबर भी 1/2 होगा, तो यहां से हम लिख सकते हैं रूट एक्स इसका पावर में 1/2 बराबर में 1/2, ठीक है, बस हो गया, इतना ही करना था, इतना ही समझना था, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहां से एक्स का पावर रूट में है तो ई 1/2 हो जाएगा, और ई 1/2 पहले से है तो यहां पे 1/2 हो गया, बराबर में 1/2 जो हम कहते हुए, ठीक है। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां से इसको मिटाते हैं हम फिलहाल, ठीक है। अब यहां से ध्यान दीजिएगा कि यहां पे x का पावर क्या मिल गया, 1/4 मिल गया, और बराबर में यहां पे 1/2 मिल गया। यहां जब फ्रैक्शन में पावर रहता है तो उस साइड जाके क्या बन जाता है, घात बन जाता है, तो यहां से x बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और यहां से x बराबर क्या आ गया, 1/2 कीजिएगा तो 1/16 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है आपका, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं है ना, तो फिर अब आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को यहीं पे फिलहाल समाप्त करेंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेशियो करेंगे बहुत ही बेहतरीन ढंग से, ठीक है, रेशियो के काफी सारे क्वेश्चंस हम करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं रेशियो के साथ, क्योंकि आप लोग का डिमांड है कि रेशियो करवाइए सर, तो रेशियो के साथ ही हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।